यूरोप दे एक देश दे दूर दराडे पिंड विच एक घर विच गरीब परिवार रहिंदा सी। उन्हां दियां पंज बेटियां सन, लूसी, एलिस, रोजलीना, मैरी ते मर्सी। उन्हां दे मां बाप मेहनत करके मुश्किल नाल घर दा गुजारा करदे सन। वड्डियां चारे कुड़ियां भी मां बाप दा हथ बटाउंदियां सन। वह क्रोशियां नाल टोपियां ते मफलर वगैरा बुनन दा काम करदियां सन, पर छोटी मर्सी अजे किसी काम च माहिर नहीं सी। वह अपनियां दूजियां भैणां नालों कमजोर भी सी ते जो भी काम करदी बहुत हौली हौली करदी सी। वड्डियां चारे भैणां उसदा मजाक उड़ांदियां ते कहिंदियां इसनू कदी कोई काम नहीं आउणा, इसने साडे ते हमेशा बोझ ही बनी रहना है। इस गल नाल मर्सी बहुत दुखी हुंदी, पर जल्दी नाल काम करना उसदे बस च नहीं सी। हर क्रिसमस ते चारे भैणां एक दूजे नूं ते मां बाप नूं कोई ना कोई तोहफा बना के दिंदियां, पर मर्सी दी कोई परवाह नहीं करदियां। उसदे मां बाप जरूर उसनूं प्यार करदे ते उसनूं खुश करन लई कोई तोहफा भी लिया के दिंदे, पर मर्सी हमेशा मुरझाई रहिंदी। इस बार जदों क्रिसमस दा त्यौहार आउणा सी तां इन्हां सारियां भैणां नूं कुछ समा पहलां गुआंढ च एक खेत च चमकदे होए सुनहरी बालां वाली गुलहरी दिसी। पंजे भैणां उस दी चमकदी फर देख के बहुत खुश होईयां। गुलहरी भी उन्हां नूं अक्सर देखदी रहिंदी। उस दे ध्यान च जल्दी ही आ गया कि वड्डियां भैणां मर्सी वल कोई ध्यान नहीं दिंदियां, ओह अक्सर उसदा मजाक उड़ाउंदियां सन। गुलहरी अपने अगले पंजियां नाल जदों अपनी पिठ ते हाथ फेरदी तां उस दे कुछ वाल खेतां च डिग पैंदे। वड्डियां भैणां दौड़ के उन्हां नूं चुक लैंदियां तां जो ओह उन्हां तों सजावटी फुल जां वस्तां बना सकण। जदों मर्सी खेत चों पहुँचदी तां उस नूं कोई भी बाल ना मिलदा तां ओह उदास हो के घर नूं परत आउंदी। इह सब देख के एक दिन गुलहरी उन्हां दे घर आई ते पंजां भैणां नूं इकट्ठियां करके कहण लगी, मैनूं पता है कि तुहानूं सब नूं मेरी सुनहरी फर बहुत पसंद है। मैं अपने बालां दे किन्ने सारे गुच्छे उसनूं देंगी जो इस क्रिसमस ते सब तो सोहना तोहफा बनाएगा। लूसी ने उस दी चापलूसी करदे होए कहा, मैं अपने लई एक अजही टोपी बुनांगी जिस ते तेरे सुनहरी बालां नाल सोहने बुन के उस उपर सजावांगी। इस लई तू अपने बालां दे गुच्छे मैनू देवी। इसे तरह एलिस ने कहा, मैं अपने लई एक मफलर बुनांगी ते उस दे चारे पासे तेरे सुनहरी बालां दी लेस बना के लावांगी। रोजलीना कहन लगी, मैं अपने लई एक स्वैटर बुनांगी ते उस दियां जेबां ते तेरे सुनहरी बालां दे फुल बना के लावांगी। मैरी ने कहा, मैं अपने लई सोहना जिहा शाल बुनांगी ते तेरे सुनहरी बालां नाल उस ते बेलना बनावांगी, उस ते बेल बनावांगी। इस लई तू अपने बालां दे गुच्छे मैनू देवी। सब तो छोटी मर्सी चुप सी। उसदा कुछ भी कहण दा हौसला नहीं सी पै रहा, क्योंकि ओह अपने आप नूं अपनियां भैणां तों बहुत हीणी समझदी सी। पर जदों गुलहरी ने मर्सी नूं प्यार नाल पुछया तां उसने हौली जिही कहा, मैं तां तेरे सुनहरी वालां नाल सजावटी डोरियां बनावांगी। इस ते वड्डियां भैणां उसदा मजाक उड़ा के हसण लग पईयां। पर जदों मर्सी ने अगों कहा, इह डोरियां मैं तोहफ़ियां नूं टंगण वास्ते बनावांगी, तां भी उन्हां ने उसदा मजाक उड़ाया। पर गुलहरी उसदे जवाब ते बहुत खुश होई। उसने अपने बालां दे किन्ने सारे गुच्छे निक्की मर्सी नूं दे दित्ते।
हुण क्रिसमस च कुछ दिन बाकी सन। हौली हौली मरसी क्रोशिया ते स्वैटर बुनन वालियां सलाइयां नाल सुनहरी वालां दियां डोरियां बनाउंदी रहिंदी। गलैरी उस कोल रोज़ आंदी ते उस दे कम नूं देख के उस दी प्रशंसा करदी, पर उस दियां भैणां नूं उस नाल ईरखा सी। क्रिसमस तों एक दिन पहला उसने जिन्नियां भी डोरियां बनाईयां सन ओह उसने एक गत्ते ते डब्बे च पा लईयां ते रात नूं अपनी भैणां दे सौण तों बाद उन्हां वल्लों एक दूजे लई बनाईयां होईयां टोपियां स्कार्फ वगैरा डोरियां नाल बन के हैंगरां नाल लटका दित्ते। क्रिसमस दी सवेर नूं मरसी दे माँ बाप अते वड्डियां भैणां ने अपने तोहफ़ियां नूं सुनहरी डोरियां नाल हैंगरां ते लटकदे होए देखिया तां उन्हां दी खुशी दी कोई हद ना रही। उन्हां नूं पता लग चुका सी कि इन्ना सोहना कम मरसी ने ही कीता है। उन्हां सारयां ने मरसी दे बिस्तरे ते जा के उस नूं बारी बारी चुम्मिया ते मैरी क्रिसमस कहा। उन्हें अपने वलों किते होए बदसलूक दी माफ़ी मंगी ते कहा, मरसी तू साड़ी सब तो प्यारी भैन है, तेरी सोच साढ़े सब तो अलग ते बड़ी है। असी अगे तो कदी भी तेनू दुख देन वाले गल नहीं करांगियां। मरसी ने भी उन्हां दा प्यार लैके बड़ी खुश सी। उन्हां दे माँ बाप ने मरसी नूं अपनियां बाहां च लैंदियां कहा, मरसी सानू नहीं सी पता तू इन्नियां सोहणियां ते सजावटी चीज़ां बना सकदी है। इन्हां डोरियां नूं असीं अज बाज़ार लै के जावांगे ते तोहफ़ियां वालियां दुकानां ते दे के आवांगे। इस क्रिसमस नूं असीं खास क्रिसमस वजों याद रखांगे। थोड़ी देर बाद गलैरी मरसी कोल आई। उसने देखिया उस दियां अखां अज आत्म विश्वास नाल भरियां पईयां सन। मरसी ने गलैरी नूं कहा, सुनहरी गलैरी मेरे जीवन च खुशियां लियाउण लई बहुत बहुत धन्नवाद।